जय हिंद बच्चों। आज का हमारा सवाल होने वाला है एडवांस 2013 से अंदर टॉपिक वर्क पावर एंड एनर्जी। प्रिसाइजली बोले तो सवाल वर्क डन से है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू से कि मैं हर रोज दो सवाल अपलोड करता हूँ कम से कम, और आने वाले समय में ज्यादा अपलोड करूंगा मैं। तो ये सवाल मेजरली होते हैं कुछ एडवांस पीवाईक्यू से, यूरोडोव से, कोई और किताब से। किताबें सारी स्टैंडर्ड किताबें, अच्छी किताबें। तो ज्यादातर आई विल ट्राई कि मैं पीवाईक्यूज लूँ और लगभग सारे पीवाईक्यू में सॉल्व कर दूं जो अच्छे हैं हर चैप्टर से। तो अगर आप इन सवालों को देखते हैं तो आप मेरे साथ साथ जब आप कुछ दिन करेंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कोई 11वीं क्यों या 12वीं क्यों। तो आप आई वुड से कि आप मेरे साथ रोज वीडियो को देखें, उसको सॉल्व करें। अगर आपको क्वेश्चन पहले से आता है तो मत देखें उसको, लेकिन अगर नहीं आता तो देखें उसको और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम बाय फोर्स दिस, जो कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, भयंकर है, तो बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ए कॉमा जीरो टू ए कॉमा ए अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो कितना काम करना पड़ेगा अगर हम एक सर्कुलर पाथ में ए कॉमा जीरो से ए कॉमा जीरो कॉमा ए तक ले जाए इसको। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो ए कॉमा जीरो कुछ यहाँ होगा बिकॉज ए रेडियस है, इससे हमको यहाँ ले जाना जीरो कॉमा ए तक सर्कुलर के पाथ के थ्रू, और ये कुछ फोर्स गिवन है। तो जरा इस फोर्स को थोड़ा ध्यान से देखा जाता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपको बहुत बार मिलता है। तो अगर मैं सर्कल में किसी एक पॉइंट की बात करता हूँ, लेट सपोज इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई। तो अगर मैं इस वेक्टर का पोजिशन वेक्टर निकालूं, आर वेक्टर निकालता हूँ, तो ये निकल गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और मैं इस वेक्टर का अगर मॉड निकालूं तो निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, जो कि यहाँ पे एक्चुअली रेडियस के बराबर है, एक है। और अगर मैं इसका आर कैप निकालूं, दिस इज आर वेक्टर अपॉन आर मॉड, दैट मीन्स कि एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका यूनिट वेक्टर निकल के आएगा जो कि इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इसको जरा आप अच्छे से देखें तो ये कुछ ऐसा फंक्शन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। एक्चुअली पावर 3/2 थी, यहाँ पे 3/2 थी, तो इसमें हमसे हमने 1 बाहर निकाल लिया, 1/2 अंदर छोड़ दिया। अब ये जो है आपके पास, इसको अगर देखें आप, तो जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो था, ये डिस्टेंस था ये वाला, वो तो ए था, तो ये एक्चुअली ए स्क्वायर है। इसको अगर देखें तो ये आर कैप है, तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये कुछ और नहीं, ये के अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर कैप है। मतलब ये तो कॉन्स्टेंट है, ये रेडियस है कॉन्स्टेंट है, जो इस फोर्स की डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के अलोंग है। मतलब अगर आप किसी पॉइंट पर निकालेंगे पोजिशन इसकी, तो फोर्स ऐसे लग रही होगी। अगर आप यहाँ निकालेंगे तो फोर्स ऐसे लग रही होगी, हमेशा हमेशा आर वेक्टर के अलोंग है फोर्स। यहाँ निकालेंगे तो ऐसे लग रही होगी फोर्स। तो ये हमने कंक्लूड किया। तो अब आप बोलेंगे कैसे किया, बिकॉज मुझे वेक्टर पता है और ये बहुत स्टैंडर्ड वेक्टर है पोजिशन वेक्टर। तो जब भी कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ है तो नहीं, जो देख के लग रहा है कि ऐसा कुछ है। तो आप इसको याद रखें और कभी आपको मिले तो उसको वहां अप्लाई करने की कोशिश करें। तो जहां भी करेंगे ये आर वेक्टर के अलॉन्ग फोर्स आ रही है ना, और हम पार्टिकल को मूव कर रहे हैं सर्कल के अलॉन्ग ऐसे ऐसे, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल है। डेट मीन्स अगर वर्क डन निकालेंगे निकल जाएगा एफ डी एस कॉस 90, बिकॉज ऑलवेज एंगल इज 90, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग सेंटर, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर एंड डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल। तो वर्क डन निकल के 0 आ जाएगा, बिकॉज कुछ काम करेगा ही नहीं है, बिकॉज फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा। तो इस फोर्स को एनालाइज किया एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आसानी से कर पाए। आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।